न्यूमेरिकल मेथड में दो मेथड आपको हमने डिस्कस किए, न्यूटन फॉरवर्ड मेथड और न्यूटन बैकवर्ड मेथड। अगर आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को आप देख रहे हैं, तो एडवाइस किया जाता है कि पार्ट वन और पार्ट टू पहले देख लें, जहाँ पर हमने फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड दोनों को अच्छे से डिस्कस किया है। जब तक आप उसमें सहज नहीं होंगे, तब तक आप उनके क्वेश्चंस को लगा नहीं पाएंगे। एग्ज़ाम में अगर प्रूविंग नहीं आती है तो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो क्वेश्चंस 100% बैकवर्ड या फॉरवर्ड का आएगा ज़रूर। अब समस्या आती है कि वहाँ पर जो क्वेश्चंस हमने अभी लिखे हैं उन पर डिस्कस करेंगे, तो ये क्वेश्चंस अभी हम लोग लगाएंगे नहीं, पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि क्वेश्चन में अगर डेटा दिया गया है तो वहाँ पर ये डिस्कस नहीं किया जाएगा, बैकवर्ड से जाना है या फॉरवर्ड डिफरेंस जाना है। तो आपको ये तय करना होगा कि इंटरपोलेशन बैकवर्ड से जाएंगे या फॉरवर्ड से। तो एक क्वेश्चन यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे टेबल दी गई है, मार्क्स दिए गए हैं 0 to 19, 20 to 39, 40 to 59, 60 to 79 और 90 to 89, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कहने का मतलब 0 और 19 के बीच में आने वाले मार्क्स के जो छात्र थे वो 41 थे, इसके बीच में आने वाले 62 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 20 और 39 के बीच में। तो इस टेबल में ये टेबल दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नीचे दिए गए हैं और मार्क्स ऊपर दिए गए। यहाँ पे एस्टीमेट करना है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स गेटिंग लेस देन 70 मार्क्स, ठीक है। ऐसे ही बाकी दोनों क्वेश्चंस को हम लोग एक बार पढ़ लें, देख लें, फिर हमें यह तय करना होगा कि कौन से क्वेश्चन में हम लोग फॉरवर्ड अप्लाई करें और किस में बैकवर्ड, ठीक। तो पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पर ईयर एंड पॉपुलेशन, किस ईयर में क्या पॉपुलेशन थी उसके करस्पॉन्डिंग डेटा दिया गया है, एस्टीमेट करना है। एस्टीमेट द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 1925, ठीक है। यहाँ पर मार्क्स दिए गए हैं और कैंडिडेट्स दिए गए, जैसे कि ऊपर दिए गए थे। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन लेस देन 45 मार्क्स, ठीक। तो इन तीनों क्वेश्चंस में हम ये देखने वाले हैं कि कौन सा मेथड अप्लाई करें जो बेटर रहेगा, ठीक। तो पहले वाले में कौन सा, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब आप अगर फॉरवर्ड से लगाएंगे या बैकवर्ड से लगाएंगे तो आंसर नहीं आए, आंसर आएगा। बट जब अगर आप ये देखेंगे बेटर कौन है, अगर आप जैसे यहाँ पर देखेंगे 70, लेस देन 70, तो मार्क्स 0 से 19 शुरू किए गए, तो टेबल की लास्ट में जाएं तो 80 to 90 और 60 to 79, तो बैकवर्ड कहता है कि पीछे से डिफरेंस लेता है, क्या लेता है, पीछे से। तो जब आप बैकवर्ड यहाँ लगाएंगे तो आपको टेबल के कम आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आंसर जल्दी मिलेगा। फॉरवर्ड यहाँ लगाएंगे तो आंसर मिलेगा, मैं टेबल लेंदी हो जाएगी, आगे तक जाना पड़ेगा। तो बैकवर्ड यहाँ पर मेथड अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी कैलकुलेट करने में, इफिशेंसी अच्छी रहेगी और कॉम्प्लेक्सिटी कम रहेगी, ठीक। यहाँ पर भी देखिए, उसने बोला कि फॉर द ईयर 1925, तो देखें 1891 से शुरू किया गया है और 1931 तक गया है, 1925 तो पीछे से ही है। तो यहाँ पर भी आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि बैकवर्ड टेबल में जो 1925 है वो पीछे से अगर बढ़ते हैं तो पास में मिल जाएगा, 1921 और 1931 के बीच में कहीं होगा यहाँ से आपको, ठीक है। डेटा इधर से जो शुरुआत की गई तो शुरुआत से ना मिलके लास्ट में जा रहा है, तो इसलिए बैकवर्ड डिफरेंस दे जाएंगे। यहाँ पर मार्क्स जो स्टूडेंट के हैं, अब उसने बोला कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन लेस देन 45 मार्क्स, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स क्या हैं 45 से कम है, देखो 30 से 40 और 40 से 50, तो शुरुआत से ही ये चीज़ क्या है, शुरुआत से वैल्यूएट की जाए, तो ये शुरुआत से पास में पड़ रही है, तो यहाँ पर फॉरवर्ड न्यूटन के भी फॉरवर्ड में इंटरपोलेशन लगाएंगे, ठीक, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में कैसे जज करेंगे कि फॉरवर्ड या बैकवर्ड लगाएंगे, तो इस तरीके से आप पहले डिसीजन लेंगे कि फॉरवर्ड लगाएं या बैकवर्ड लगाएं। वहाँ कहीं भी ऐसा वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि फॉरवर्ड से जाना है या बैकवर्ड से, ठीक। जो अभी बिगनिंग में तीन क्वेश्चन हमने लिए थे, तो बैक बोर्ड पर क्वेश्चन का लेने का मतलब ये था कि पहले आप डिसाइड करें कि कौन सा मेथड आपके पास यहाँ पर लगाएं जो ज़्यादा ईजी आपको लगे और कैलकुलेशन कम हो। तो हम लोग दो मेथड्स फॉर इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल्स के लिए दो मेथड अप्लाई करते हैं, न्यूटन गेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, न्यूटन गेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन। तो तीनों में हमने एक्सप्लेन किया कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड कौन सा लगाएं जो बेहतर रहेगा। तो उनमें से सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन जो था,
वो बैकवर्ड इंटरपोलेशन उसमें लगाना है, और अगर बैकवर्ड इंटरपोलेशन को हम डिस्कस करते हैं तो अब मुझे लगता है कि आप फॉरवर्ड इंटरपोलेशन भी लगा ले जाएंगे। और यहाँ पर इंटरवल दिया गया था, डेटा जो यहाँ पर मार्क्स दिए गए वो इंटरवल में दिए गए हैं, ठीक। तो हमने क्या किया कि मार्क्स को इंटरवल में ना लेके मार्क्स लेस देन एक्स, कहने का मतलब कि 0 to 19 को वो सारे वो मार्क्स जो 19 से कम है, तो वो सारे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 19 से कम है कितने, 41। अब वो सारे स्टूडेंट जिनका मार्क्स 39 से कम है, तो 39 से कम है तो दोनों ऐड करे जाएंगे, तो जब ऐड करेंगे कितना आएगा, 3, और तो 103 आ गया, तो कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वाई बोल रहे हैं। अब मार्क्स लेस देन 59, तो 59 तो इसमें फिर क्या है, ये भी ऐड हो जाएगा, ठीक। तो जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 168। तो मार्क्स लेस देन 59, फिर मार्क्स लेस देन 79, मार्क्स लेस देन 99। तो 99 का मतलब है कि सारे वो सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो इनका मार्क्स 99 से कम है। तो यहाँ पर हमने मार्क्स लेस देन 59, मार्क्स लेस देन को x माना है और कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को y मान लिया, ठीक। तो जब क्वेश्चन जो कंसीडर किया गया है तो उसको आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या फार्मूला देख लेते हैं, ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन का फार्मूला जो प्रूव किया गया था, यहाँ पे फार्मूला आपके सामने है। ये बैकवर्ड ऑपरेटर है, बैकवर्ड ऑपरेटर, और बाकी पी कैसे इवेल्युएट करेंगे वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देख दिया गया है कि कैंडिडेट गेटिंग लेस देन 70, तो उस जो जिसका जिसके लिए हमें इवेल्युएट करना है उसी को ही एम एक्स मानना है, क्या मानना है, एक्स। तो उसको क्या लिया गया, एक्स, ठीक। टेबल के सबसे लास्ट में यहाँ मार्क्स दिए गए हैं, तो मार्क्स क्या हैं, लेस देन 99, तो इस वैल्यू को क्या मानेंगे, एक्स एन, ठीक। एच जो होगा वो जो स्टेप है, साइज है, तो हमने देखिए क्या 19 फिर 39, जो भी अभी इससे पहले टेबल ली थी, तो मार्क्स लेस देन 19 और मार्क्स देन लेस देन 39, तो 39 और 19 के बीच का डिफरेंस कितना है, या 59 और 39 के बीच का डिफरेंस क्या है, तो 39 और 19 के बीच के बीच का डिफरेंस कितना है, 20, यही एच हो गया। तो पी बराबर एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एच, इससे हम लोग पी इवेल्युएट कर लेंगे। तो एक्स कितना है हमारा, 17, जिसके लिए इवेल्युएट करना है उसको एक्स, ठीक है। एक्स की सबसे लास्ट वाली वैल्यू उसको मानेंगे एक्स एन, एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एच, यहाँ पे 70 माइनस 99 अपॉन 20, तो आ जाएगा माइनस 29 बाई 20, तो कितना आ जाएगा, माइनस 1 पॉइंट कितना आएगा, माइनस 1.45। तो हमने पी कैलकुलेट कर लिया, वो आया माइनस 1.45, ठीक। जब फॉरवर्ड इंटरपोलेशन लगाते थे वहाँ पे भी पी कैलकुलेट करते हैं आप इसी तरीके से, बट वहाँ थोड़ा सा चेंज है, वहाँ शुरुआत की वैल्यू लेते हैं, क्या लेते हैं, जो यहाँ पे एक्शन लिया है वहाँ शुरुआत एक्स नॉट से डिफरेंस लेते हैं, इसके लेते हैं, मतलब फॉरवर्ड लगाएंगे जब इंटरपोलेशन, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन जब लगाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, पी बराबर एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच या एक्स नॉट माइनस एक्स, ठीक। पहली बात तो फार्मूला में यहाँ पर जो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन लगाएंगे तो पी तो जो कैलकुलेट करना सिखाया है उससे होगा, यहाँ पे बैकवर्ड ऑपरेटर की जगह क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डेल्टा, और यहाँ पी पी माइनस वन, यहाँ पे होगा पी पी माइनस वन पी माइनस टू, इतना चेंज होगा, ठीक है, बात समझ रहे कि नहीं। P कैलकुलेट कैसे करेंगे, x माइनस एक्स नॉट, जिस पर कैलकुलेट करना है उसको x मानेंगे और इनिशियल जो वैल्यू होगी उसको क्या मानेंगे, x नॉट, उसका डिफरेंस और जो इंटरवल होगा h उससे डिवाइड करके P निकाल लेंगे, ठीक। उसका जो फार्मूला होगा फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का होगा वाई एक्स बराबर, अब यहाँ पे वाई एन ना होगा क्या होगा, वाई नॉट ना, तो दोनों सिमिलर है, एक बार यहां से हम कंपेयर कर ले रहे हैं, वाई एक्स निकालने जा रहे हैं, यानी एक्स की जिस वैल्यू के लिए हमें आउटपुट निकालना है, तो यहां पे आप वाई एन लिया गया तो यहां पे क्या लेंगे, वाई नॉट, मतलब शुरुआत की वैल्यू, यहां पी तो कैलकुलेट करना है, दोनों में अंतर है। अब यहां पे बैकवर्ड
ऑपरेटर लिया तो यहाँ फॉरवर्ड, और वाई एन की जगह क्या लेंगे हम, वाई नॉट, और पी पी माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू। ठीक, जो हमने टेबल कंसीडर की थी वहाँ पे देखिए कि एक्स की वैल्यूज़ यहाँ पे इस, अब कॉलम वाइज रखी हैं, 19, 39, लेस देन 19 मार्क्स, लेस देन 39, 59, 79 और 99। जो वाई मतलब कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी लिए गए तो 41, 103, 168, 218 और 235। अब बैकवर्ड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि दूसरी वाली वैल्यू का डिफरेंस पहली वाली से, इसका इससे, ओके तो इसका इससे डिफरेंस 62, इसका इससे डिफरेंस 65, इसका इससे डिफरेंस 50 और 235 का डिफरेंस 218 से 17। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, वही काम फिर से करेंगे अब इन वैल्यूज़ के साथ, फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर इसको इससे घटाया तो ये आया, और इसको इससे आगे वाली वैल्यू को पीछे वाली वैल्यू से, बैकवर्ड डिफरेंस का मतलब यही होता है। ठीक है, और तब तक जाएंगे जब तक कि ज़ीरो ना आ जाए, तो ये आगे तक ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो टेबल अभी आपको एक्सप्लेन की ही थी, फॉर्मूले को हमने अगेन लिखा हुआ है, पी की वैल्यू हम लोग इवेल्युएट कर चुके हैं, पीछे भी इवेल्युएट की थी, अब वाई एन बैकवर्ड डेल्टा वाई एन और ये सारी वैल्यूज़ कैसे आएंगी ये देखेंगे। यहाँ पे टेबल एक्सप्लेन किया था वाई एन, हम लोग टेबल के बिल्कुल लास्ट में जा रहे हैं, तो ये वाई एन होगा, ये वाली वैल्यू टेबल की वाई जो वाई की एंट्रीज हैं सबसे लास्ट में जा रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू वाई एन बनेगी, ये बैकवर्ड डेल्टा वाई एन बनेगी, बैकवर्ड डेल्टा स्क्वायर वाई एन बनेगा और बैकवर्ड डेल्टा क्यू वाई एन, और बाकी फिर आगे जाके वैल्यूज वैनिस हो गई, तो आगे जाके वहीं से हमारी जो फार्मूला है बैकवर्ड डेल्टा थ्री तक ही जाएगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे देखो वाई एन रखा, पी की वैल्यू पी की जगह रख दी, बैकवर्ड डेल्टा वाई एन की वैल्यू 17, इस तरीके से यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को पुट किया है, और सिंपल कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। तो ये स्टेप को कैलकुलेट किया गया, 200.661 आया, जिसको 201 अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट किया गया। अब कैलकुलेशन पार्ट देख लें, कैसे हमने इस वैल्यू को और इस वैल्यू को कैलकुलेट किया है, कैसे पी को कैलकुलेट किया है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर एक्सप्लेन की गई, पी की वैल्यू कैसे निकालते हैं पीछे जाके आप उसको ध्यान दें, और वाई एन बैकवर्ड डेल्टा वाई एन डेल्टा स्क्वायर वाई एन डेल्टा क्यू वाई एन, आगे क्यों नहीं गए, क्योंकि आगे जाके क्या है ज़ीरो हो गई। ठीक, बाकी कैलकुलेशन के लिए आपको कैलकुलेटर अलाउड करते हैं वो लोग, न्यूमेरिकल मेथड्स में अलाउड है साइंटिफिक कैलकुलेटर, कैलकुलेशन पार्ट में हम लोग समय जाया नहीं करेंगे, वो आपका पार्ट है। और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन से आप जो आपके आपके एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, फिर भी आपको कोई अगर दिक्कत हो रही है, कोई भी अगर लगता है कि और एक्सप्लेन किया जाए, और क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जाएँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और बैकवर्ड इंटरपोलेशन और फॉरवर्ड इंटरपोलेशन लगभग एक जैसा है, अगर आप बैकवर्ड इंटरपोलेशन का क्वेश्चन लगा लेते हैं तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मुझे लगता है कि आप आसानी से एग्ज़ाम के टाइम पर भी लगा पाएंगे, बस फार्मूले को एक बार देखना होगा। तो आपको इस यूनिट में करना क्या है कि फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, बैकवर्ड इंटरपोलेशन और उसका कोई एक क्वेश्चन, तो आप क्या करिए पहले ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि बैकवर्ड कहाँ लगेगा और फॉरवर्ड कहाँ लगेगा, और एग्ज़ाम टाइम पर हमेशा बैकवर्ड इंटरपोलेशन का कोई भी सबसे टफ क्वेश्चन जो आपको लगता हो आप उसको एक बार रिवाइज़ कर लें, और फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का केवल मैथड देख लें कि पी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, और वाई ज़ीरो फॉरवर्ड डेल्टा वाई नॉट फॉरवर्ड डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, इस टाइप की वैल्यूज़ को कैसे निकालते हैं, फार्मूला क्या होगा, फार्मूला कैसे पुट करना है। ठीक है, ये चीज़ देख लें, बाकी आप प्रैक्टिस पे छोड़ दें। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा, थैंक यू, नेक्स्ट टाइम पे फिर से करेंगे शुरुआत।